हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि किचन एंड कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड और मैगी का शानदार नाश्ता। फ्रेंड्स, ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है, और इसे आप स्नैक्स टाइम में भी खा सकते हैं। और सिर्फ मैं इसे ब्रेड और मैगी से बनाऊँगी। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच तेल, और इसे मैं गरम कर लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 बारीक कटी हुई प्याज, आप इसे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो मैं प्याज के लिए अच्छे से सेक लूँगी। तो हमें यहाँ पे लो फ्लेम में ही सेकना है प्याज के लिए। तो देखिए प्याज अच्छे से सेक चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पेस्ट डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। फिर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से मटर। मैंने टमाटर के अंदर का पल्प निकाल दिया है। तो अब मैं इनके लिए अच्छे से सेक लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, आप नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैंने अच्छे से सेक लूँगी, इससे सब्जियाँ नरम पड़ती हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें 2 छोटी चम्मच टमाटो सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मैगी में। और अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप पानी, 1 कप पानी बहुत है, और मैं इसमें एक अच्छा उबाल आने दूंगी। तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैगी के अंदर सरसे आते हैं मैगी मसाला के, वो तो यहाँ पे मैंने ये सरसे डाल दिए हैं। और फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इन्हें करीबन 2 मिनट तक एक पानी में उबाल आने दूंगी मैं। और फिर मैं इसमें डाली हूँ मैगी। फ्रेंड्स, तो कैसे वो क्लिप डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं वो मैगी डालने वाली क्लिप आपके लिए नहीं दिखा पाई, लेकिन मैंने मैगी डाल दी और इसे मैंने करीबन 5 मिनट तक ढक दिया जिससे ये पानी ऑब्जर्व कर ले। तो इसने पानी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। फिर मैं इसमें डाल ली हूँ पिंच जीरा मन और गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों के लिए ही डाला है, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मैगी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसमें मैं डाली हूँ 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड पनीर। पनीर ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मैगी में। तो मैगी की स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्रेड, और इसके जो ये ब्राउन एजेस रहते हैं मैं इनके लिए कट कर लूँगी। हमें सिर्फ वाइट एरिया चाहिए, हमें ये एजेस ज़्यादा नहीं कट करने हैं, बस हल्के हल्के से कट करने हैं। और फिर मैं आगे जाके आपके लिए बताऊंगी कि आप इन एजेस का क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड के एजेस कट कर लूंगी। तो हमने एजेस कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेड लूँगी और इसे पानी में हल्का सा गीला कर लूँगी, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी और हल्का हल्का इसे प्रेस कर लूँगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये मैगी की स्टफिंग जो हमने अभी तैयार की थी। मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैगी की स्टफिंग डाल दूँगी, और मैं इसे अंदर एक सा कर लूँगी। और फिर मैं दूसरी ब्रेड ले रही हूँ, और इसे भी मैं हल्का सा गीला कर लूँगी और इसे ब्रेड के ऊपर ढक दूँगी।
और आप चाहें तो एज इसमें पानी भी लगा सकते हैं हल्का हल्का, जिससे ये चिपक जाए। और मैं इसे एक ओवल शेप दे रही हूँ, आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने एक इन्हें शेप दे दिया है। और इसी तरीके से मैं सारी ये बना लूँगी। आप चाहे तो इन्हें ब्रेड कटलेट भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं और भी बना लूँगी। तो ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपके लिए बताती हूँ कि आप उन जो बचे हुए एजेस रहते हैं उनका क्या कर सकते हैं। तो आप उन्हें अच्छे से ग्राइंडर में पीस लीजिए, फिर वो ब्रेड क्रम बन जाएंगे। और अब मैं उनसे इनके लिए अच्छे से कोट कर लूँगी, उसे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आएगा। तो ये जो ब्रेड क्रम्स बच जाते हैं आप इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं बाद की रेसिपी के लिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें, तो अब मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करूँगी। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। हमें इनके लिए मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और हल्का से इन्हें ब्राउन कलर आने देना है। हमें इनके लिए ज़्यादा नहीं सेकना है वरना ये खड़े हो जाएंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से मैं इनमें एक ब्राउन कलर आने दूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से तल रहे हैं। तो ये अच्छे से तल चुके हैं। तो अब मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारी नाश्ता ही बन के तैयार हो चुका। आप इन्हें चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपके लिए मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिए घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजिए कि आपके लिए रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।